एवरीबॉडी वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस एज में ब्रेसेस लगवाए थे एंड एज कितनी मैटर करती है जब हम ब्रेसेस लगवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज कितनी मैटर करती है जब हम ब्रेसेस लगवाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने किस एज में ब्रेसेस लगवाए थे। तो मेरी एज 25 थी जब मैंने ब्रेसेस लगवाए थे, ठीक है। अब मुझे 1 साल 5 मंथ हो चुके हैं, 5 मंथ, मैंने आप सबको ये चीज़ बताई है। तो जब मैंने ये ब्रेसेस लगवाए थे तब मुझसे भी यही कहा गया था कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लाइक 25 एज थी मेरी, ठीक है। तो अब बात आती है कि हाँ क्या मतलब कितना मैटर करता है जब हम लेट ब्रेसेस लगवाते हैं, तो हमें क्या क्या हमें इशू आते हैं ये सब चीज़ें। तो सबसे पहला कि जब हम लेट ब्रेसेस लगवाते हैं तो हमें पेन ज़्यादा सहना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, हमारे पैसे ज़्यादा लगते हैं। और तीसरा कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जो मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इस वजह से उनको खोलना, मतलब उसको मसूड़ों को खुलते हैं जब वो, और उनको हमारे जो टीथ है उनको मूव कराना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उतना ही हमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। 30-40 की एज में अगर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसमें हमारी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं उस टाइम पे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होगा अगर हम 40 की एज में अगर ब्रेसेस लगवा रहे हैं तो। वो बहुत ज़्यादा एज है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग लगवाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगवाते, बट उतनी स्टेबिलिटी हमें अच्छी नहीं मिलती है, ऐसा मुझे डेंटिस्ट ने बताया, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग की एज है उस पर बात करते हैं। स्टार्टिंग की एज में आप वैसे तो 15-16 साल से स्टार्ट करा सकते हो अपना ट्रीटमेंट, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 17-18 साल के जब आप हो जाओ तब आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए ब्रेसेस का, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप इतने बड़े हो जाते हो कि आप पेन को सह सकते हो, ठीक है। आप ये दिमाग मतलब सोच सकते हो कि ये पेन थोड़ी देर के लिए है, ये पेन इसलिए हो रहा है, आप पेन किलर खा लो ना। अगर हम ज़्यादा छोटे हैं तो हम उस पेन को ना सह नहीं पाएंगे, क्योंकि पेन थोड़ा ज़्यादा होता है और थोड़ा सा इरिटेट भी करता है। अगर बच्चा होगा तो वो इतना अच्छे से नहीं सह पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही मैटर करती है कि हम ज़्यादा जल्दी एज में भी ना ब्रेसेस लगवा लें और बहुत ज़्यादा लेट में भी ना लगवाएं। अगर हम जल्दी ब्रेसेस लगवा रहे हैं तो देखो उसमें हम बहुत ज़्यादा जल्दी से ट्रीटमेंट भी हो जाता है और हमारे पैसे थोड़ा बहुत ही कम लगते हैं, वैसे तो पैसे कम लगते हैं, टाइम ड्यूरेशन कम लगता है एंड लाइक हमें पेन ज़्यादा नहीं होता। और सबसे मेन थिंग कि हमारी जो ट्रीटमेंट है या हमारे जो दांत हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, वो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है और बहुत लंबे समय तक रहता है। तो जब हम जल्दी ब्रेसेस लगवा लेते हैं तो उसके हमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बाई।